नज़दीक में देख सकते इसको। इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो जैसे लग रहा है गणेश जी की मूर्ति है, और आगे से बहुत सारी मूर्तियाँ आप लोग को चल के दिखाते हैं नज़दीक से। और आप लोग भी इस मूर्ति को देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है विष्णु भगवान की मूर्ति है। और आइए ऐसे यूनिक चीज़ आप लोग को और दिखाते हैं। इस कुतुब मीनार के अंदर दोस्तों बहुत सारे ऐसे रहस्यमय चीज़ें हैं जो कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, सलाम अलैकुम, जय श्री राम, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं विनय और आप लोग देख रहे हैं विनय ब्लॉगर चैनल को। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को दिखाने लाए हैं दिल्ली का में जो है ये कुतुब मीनार। तो आज आप लोगों को दिखाएंगे कुतुब मीनार, और अभी देख सकते हमें बाहर साइड कुतुब मीनार के, और अभी चलते हैं एंट्री गेट के पास, फिर वहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे कुतुब मीनार के अंदर जाने के लिए। फिर उसके बाद आप लोगों को कुतुब मीनार का पूरा सीन दिखाएंगे, पूरा सीन दिखाएंगे। तो ब्लॉग लास्ट में बन रही है, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए भी चलते हैं कुतुब मीनार के अंदर। तो अभी हम लोग ऑनलाइन बुक करते हैं टिकट। तो फिलहाल हमने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया है, दो पर हेड 35 रुपये लगा है। और अब चलते हैं एंट्री गेट के पास और अंदर चलते हैं कुतुब मीनार के। तो अभी हमने वहाँ से एंट्री गेट से एंट्री ले लिया, अब चलते हैं अंदर आगे और आप लोगों को दिखाते हैं कुतुब मीनार का जो भी सीन है नज़ारा। तो अभी मास्क निकाल लेते हैं यार इसके अंदर, और कमेंट्स में जरूर बताइए भाई गॉगल्स लगाए तो कैसा लग रहा है। और यहाँ पीछे हमारे देख सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कुतुब मीनार दिख रहा है। तो आइए चलते हैं नज़दीक से आप लोगों को दिखाते हैं। तो आ चुके हम इस कुतुब मीनार के पास, और जस्ट हमारे पीछे ये रहा कुतुब मीनार। कितना बड़ा यार कुतुब मीनार, और आप लोग इसके अंदर का सीन दिखाते हैं और देख सकते हैं इसके अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ से इधर चारों तरफ से। आप लोग एक बार दिखा देते हैं, पर देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं नज़दीक कुतुब मीनार के एकदम समीप, और वहाँ से आप लोग को सीन दिखाते हैं नज़ारा कुतुब मीनार का क्या सीन है। दोस्तों देख सकते हैं पीछे अंदर ये दरवाजे के अंदर जाने का, और ऐसे घूमते आप लोग पूरा सीन दिखाते हैं नज़ारा इधर का। इधर देख सकते कितना हाइट में यार ये। तो आइए दोस्तों अब इसके आगे चलते ऊपर इस साइड में, और इधर का आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं। वाओ, इधर दोस्तों कितनी ज़्यादा भीड़ है, और चारों तरफ सभी लोग सेल्फी खींच रहे हैं। और दोस्तों ये देख सकते हैं कितना पुराना है, और ये टूट भी चुका है यहाँ पे जी। और ये ठीक गुम्बज के जस्ट सामने, मतलब ये जस्ट कुतुब मीनार के जस्ट सामने ही है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों इस कुतुब मीनार के अंदर की एक यूनिक सी चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को, जो कि इनके दीवारों पे जो बनी हुई हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ नज़दीक में देख सकते हैं इसको। इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो जैसे लग रहा है गणेश जी की मूर्ति है, और आगे से बहुत सारी मूर्तियाँ आप लोग को चल के दिखाते हैं नज़दीक से। और आप लोग भी इस मूर्ति को देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है विष्णु भगवान की मूर्ति है। और ऊपर वो कोने में आप लोगों को दिख रहा होगा एक गणेश जी की मूर्ति लग रही है, और आप लोगों को दिखा। और यहाँ पर देख सकते हैं घंट बना हुआ है, भी आप लोग देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति है जिसको घिस दिया गया है। और आइए ऐसे यूनिक चीज़ आप लोग और दिखाते हैं। ऐसे माना जाता है जो कुतुब मीनार है ये कब्रिस्तान माना जाता है, बट इसकी डिज़ाइन को देख कर ऐसा लग रहा है कि ये पहले एक हिंदू धर्म का मंदिर था। तो आइए ऐसे कुछ यूनिक चीज़ आप लोगों को हम और दिखाते हैं यहाँ पे और इसके अंदर कुतुब मीनार के इस साइड, और इस साइड से आप लोग को सीन दिखाते हैं जो कि ये है पूरा, इसमें देख सकते ढह चुका है पूरा।
और खंडहर में एक तरह से तब्दील हो चुका है, और वहाँ पे भी एक और है जो कि वो भी देख सकते हैं लोग टूट चुका है, और इधर कुछ और फिर अब इसके आइए अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। और इसके अंदर देख सकते हैं एक बड़ा सा कब्रिस्तान। चलते हैं आप लोगों को लेकर इस टूटे हुए खंडहर के अंदर, इधर जो आप लोग देख सकते हो टूटा हुआ है, इसके आगे चलते हैं और अंदर से आप लोगों को सीन दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं जो कि टूट चुकी हैं, और इधर भी आप लोग देख सकते हैं पीछे हमारे, और इस साइड भी जो कि पूरा खंडहर हो चुका है अभी फिलहाल के टाइम, इस टाइम तो अभी खंडहर हो चुका है। और ये देख सकते हैं एक छोटा सा मस्जिद, ये रहा छोटा सा मस्जिद। और चलते दोस्तों जो बड़ा सा आप लोग को वहाँ से दिखाए हैं उसको नज़दीक से आप लोग को दिखाते हैं, नज़दीक से उसका सीन। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं ये इसको रियर कैमरे से दिखाते हैं आप लोग को, और पीछे कुछ तोते भी बैठे। ये देख सकते हैं ये रहा पुराना कुतुब मीनार जो कि ढह चुका है, और ये देख सकते हैं दोस्तों एक कुतुब मीनार के टाइप में ये, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। और ये खंडहर में तब्दील हो चुका है, और ऊपर देख सकते हैं तोते बैठे हैं ग्रीन ग्रीन से। तो आइए इसके अंदर इसके चारों तरफ से एक राउंड लगाते हैं और चारों तरफ से आप लोगों को सीन दिखाते हैं। और देख सकते हैं इसके अंदर कुआं भी है, तो आइए चलते हैं दिखाते हैं नज़दीक से। ऐसा लग रहा है हिंदू की मूर्ति है ये, मंदिर का स्ट्रक्चर, हिंदू धर्म के मंदिर का स्ट्रक्चर। और ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों जितने भी हैं यहाँ स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं एक हिंदू धर्म के मंदिर के स्ट्रक्चर का जैसे है। ऊपर देख सकते हैं घंट के आकार में, ये ऐसा लग रहा घंट है, दिख रहा होगा घंट। इस कुतुब मीनार के अंदर दोस्तों बहुत सारे ऐसे रहस्यमय चीज़ें हैं जो कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। अभी हम चल रहे हैं कुतुब मीनार के इस जस्ट सामने वाले साइड पे, जिसके पीछे हमारे देख सकते हैं कुतुब मीनार है, और आए चलते इधर से आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं, जो कि ये इधर भी खंडहर में तब्दील हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग ये। तो आइए गाइस इधर चलते हैं और इधर से आप लोगों को पूरा सीन दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग ये भी खंडहर में तब्दील हो चुका है, और इधर जो भी चीज़ें हैं लगभग सारी की टूट ही चुकी हैं। तो आइए चलते इसके अंदर से आप लोग को सीन दिखाते हैं। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजार। और इसकी दीवारें देख सकते हैं दोस्तों कितनी मोटी है। तो दोस्तों खलजी मकबरा देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है खलजी मकबरा। के अंदर चलते हैं इसके अंदर, वाह देख सकते हैं आप लोग कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, और इसके गलियारा सब इससे है, इसके अंदर से हम चल रहे हैं। वाह पार्क में आप लोग को पार्क का भी सीन दिखा देते हैं इधर से जी। और इधर देख सकते हैं कुछ पेड़ हैं यहाँ पे, और आगे कुछ फूल पत्तियाँ भी लगी हैं जी। और यहाँ से आप लोग को एक बार दिखाते हैं कुतुब मीनार कैसे। मंदिर तोड़े तो बता सब।
तो फिलहाल दोस्तों अब चलते हैं बाहर और इस ब्लॉग को करते हैं फिर। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए और हमने जहाँ तक हुआ कोशिश की आप लोगों को कुतुब मीनार को दिखाने के, पूरा एक्सप्लोर करके बताया आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए। पसंद आए लाइक करें दोस्तों, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।